क्लीन सिटी के जरिए छत्तीसगढ़ जहां स्वच्छता की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं अभियान से महिलाओं को जोड़कर आर्थिक तौर पर मजबूत भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मिशन क्लीन सिटी को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में महिला स्व सहायता समूह के हाथों में दे दी है, जिसका अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर तक एक ही लक्ष्य है, मिशन क्लीन सिटी। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। छोटे शहरों में स्वच्छता के मामले में नंबर वन बनने के बाद अंबिकापुर मॉडल देश भर में मिसाल बन गया है। अभी इसी मॉडल के तर्ज पर पूरे छत्तीसगढ़ में मिशन क्लीन सिटी पर काम किया जा रहा है। आज प्रदेश के 13 नगर निगम में 11 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 111 नगर पंचायतों में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं शहर में कचरा कलेक्शन का काम कर रही हैं। आंकड़ों की माने तो 10,000 महिलाओं को इससे रोजगार मिला है। वहीं सरकार को सूखा कचरा कलेक्शन से बनने वाले खाद को बेचने से 3 करोड़ और गीला कचरा से बने खाद से 1 करोड़ का फायदा हुआ। इस राशि को समूह में काम करने वाली महिलाओं में बांटा गया है। सरकार ने कचरों से बनने वाले खाद को सोनहा खातू नाम दिया है। इस खाद की डिमांड आजकल बढ़ गई है। अभी देखिए, डोर टू डोर तो हम कर रहे हैं, नालियों की सफाई लगातार हो रही है, पर अब हम एक जन अभियान चला रहे हैं जिसमें अभी हम नो प्लास्टिक पे फोकस कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जैसे झिल्ली, पन्नी या पानी की बोतल, जो केवल एक बार यूज होती है और उसको कचरे में फेंक दिया जाता है और बाद में वो सिस्टम को प्रदूषित करती है, उसको सिस्टम से हटाना, और लोगों के मोटिवेशन से और जागरूकता से ही अभी अभियान के रूप में इसको हमने स्टार्ट करने का प्रयास किया। देखिए, महिलाओं का उपयोग जो सहयोग है वो यूजर चार्ज कलेक्शन में अभी करेंगे, इसमें उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर गीला सूखा कचरा अलग करने में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनको हमने नो प्लास्टिक कैंपेन में भी उसको शामिल किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की महिलाओं को हमने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए लगाया है और साथ में जागरूकता अभियान को हमने किया है। 6,000 रुपया हम प्रति महिला, उसमें हम उनको मानदेय देंगे और वो घरों में जा करके गीला कचरा को अलग और सूखा कचरा को अलग करने में हमारी मदद करेंगी। उसके अलावा वो जो कमर्शियल एरिया हैं वहाँ से यूज़र चार्ज भी लेंगी। तो कुल मिलाकर महिलाओं को आत्म स्वावलंबी बनाने की दिशा में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इससे हजारों महिलाएं न केवल काम में लगेंगी बल्कि अन्य अभियानों के लिए भी वो मिल का पत्थर साबित होंगे। वहीं सरकार ने मिशन क्लीन सिटी के अभियान में जुटी स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी किया है। इसके साथ भूपेश सरकार ने उनका मानदेय भी बढ़ा दिया है। अब तक स्वच्छता दीदियों को कुल 5,000 रुपए प्रतिमाह की मानदेय राशि प्राप्त होती थी, जिन्हें अब 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में कार्यरत लगभग 10,000 स्वच्छता दीदियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।